दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के जो हैं एडमिशन फॉर्म के लिए जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो अगर आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो बुलंदशहर हो, मेरठ हो, गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, यानी जो भी कॉलेज यूजी और पीजी के अंडर में आते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जिसे फॉर्मरली मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पहले इसका नाम मेरठ यूनिवर्सिटी था, तो अगर आप इसमें रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उनका जो प्रोसेस है वो लगभग फरवरी मार्च के पहले आता है, यानी जनवरी और फरवरी में आता है। तो अभी जैसे फ़िलहाल अगस्त चल रहा है, 31 अगस्त 2021 है आज, और कल से 1 सितंबर लगने वाला है, तो कल से जो है एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं लगभग अधिकतर कॉलेजों में। तो यहाँ पर हम मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और अगर आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, तो मैं यहाँ पर यूजी की बात करूँ, यानी अंडर ग्रेजुएट जो कि बैचलर कोर्स होते हैं उनमें अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर, तो आपको क्या है, सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको नहीं मिलता है ये लिंक तो आपको करना क्या है, सबसे पहले CCSU डाल देना है। जब आप CCSU डाल देंगे तो आपको सर्च कर देना है CCSU आ जाएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। ये यहाँ पर इस पर आपको लिंक पर क्लिक कर देना है, इस पर लिंक पर कहीं भी ये वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। जब ये खुल जाएगी तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन होता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज इंस्टीट्यूट सेक्शन, यहाँ पर आपको एडमिशन और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये अगर इधर होता है या इधर होता है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर पहले से ही खुली हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नोटिस भी है, एप्लीकेंट मस्ट सेंड फॉर्म एडिट कॉलेज चेंज रिक्वेस्ट ओनली थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इन द फॉर्म। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उन्होंने जो है कॉलेज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसे चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी दी है उसी से आपको जो है कॉलेज चेंज की रिक्वेस्ट भेजनी है, ईमेल आईडी से, अपनी रजिस्टर्ड से। तो अब हम यहाँ पर यूजी एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ अगर आप भूल जाते हैं तो। ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन और स्नातक प्रवेश पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। जब ये चीज़ आ जाएगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 12th पॉलिटेक्निक डिटेल्स, 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट पॉलिटेक्निक का विवरण। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार आरक्षण के लाभ संबंधी अद्यतन नियम लागू होंगे। विवरण विश्वविद्यालय प्रवेश विवरणिका में उपलब्ध है। सत्र 2021-22 में गैर प्रायोगिक विषयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण हेतु वर्ष 2017-21 के उत्तीर्ण छात्र ही पात्र होंगे। प्रायोगिक विषयों में पूर्व वर्षों के छात्र भी पंजीकरण कर सकते हैं। ये हिंदी में है और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन रूल आर सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसे आप पढ़ लेना। इसके साथ ही अब यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन लिखी हुई है, CBSE 2021 अथवा बाद के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से पहले CBSE का डाटा डाउनलोड करें पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई टैब में लेकर चला जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड करें पर क्लिक कर डीजी लॉकर से अपना डाटा डाउनलोड करना होगा। CBSE पास आउट ऑफ 2021 लेटर कैंडिडेट नीड टू फर्स्ट डाउनलोड द रिजल्ट डाटा फ्रॉम डीजी लॉकर। तो यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले उन्हें डीजी लॉकर से अपना डाटा जो है डाउनलोड करना है। डाटा डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, यहाँ पर हम यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, जो है आपका सत्र चुनना है। जैसे अभी हम यहाँ पर चुनने वाले हैं 12th पासिंग ईयर, अगर आपने 2021 में किया है तो 2021 में, हालांकि अब मैं यहाँ पर
पहले किसी और प्रोसेस को दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं ये आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये हालांकि किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड भर देना है जिस तरीके से है, यहाँ पर एग्री करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलीजन, ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी मदर नेम है, कैंडिडेट का नाम क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी क्लेम्ड, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी और अनरिजर्व, एससी एसटी जो भी है, जनरल से हैं तो अनरिजर्व लिखेंगे, और सेलेक्ट कैटेगरी गर्ल्स, एक्स, आर्मी, जो भी हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। अदर कैटेगरी कोई है तो वो करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वहाँ पर एस्टरिस्क यानी ये स्टार लगा हुआ है उसमें ज़रूरी आपको भरना है। डोमिसाइल का स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यूपी से हैं तो अच्छी बात है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसके लिए आपको 5 या 6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फीस का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आएगा, इनकम ग्रुप आएगा, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस स्टेटस क्या है वो आएगा, क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, यस है तो यस आएगा, नो है तो नो आएगा। एड्रेस आपका जो भी होगा, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो आप यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम जो इधर होगा वही चीज़ इधर आ जाएगी। यहाँ पर अपना स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब भरने के बाद आधार नंबर भरेंगे, और यहाँ पर भरने के बाद अपनी एजुकेशनल डिटेल भरनी है, पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पास किया, जैसे आपने 2010 में किया है तो यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर और ये मार्क्स, कितने मार्क्स मिले हैं और कितने ऑब्टेंड हुए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, मार्कशीट का सीरियल नंबर जो कोने में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर होता है वो भरना है। इसके बाद 12th की डिटेल्स भरनी है, इसी तरीके से यहाँ पर पूर्णांक, कितने नंबर में से कितने प्राप्तांक हुए हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रीम भरनी है जो भी है, कॉमर्स, आर्ट और ये जो भी, टीसी नंबर है तो वो भर देंगे, अगर नहीं है तो मार्कशीट का सीरियल नंबर भरेंगे, वो भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, क्या आपके पास खुद के प्रयोग हेतु सामने वाला कैमरा युक्त स्मार्टफोन या लैपटॉप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आपके पास स्थिर तेज इंटरनेट सेवा की सुविधा है तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम यस कर देते हैं। इसके बाद आपके पास ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित हुए तो स्पीकर, ईयरफोन, माइक्रोफोन इत्यादि उपकरण है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे अगर नहीं है। क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, यदि हो सकते हैं तो यस कर सकते हैं। आई कैन अटेंड ऑल ऑनलाइन क्लास, 70% करना चाहते हैं तो 70%, 50%, 30% या नो आई एम अनेबल टू अटेंड एनी ऑनलाइन क्लास, इसके साथ जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी सुविधा के अनुसार वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की उसके द्वारा आवेदन में प्रोक्त भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ सही हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना डाटा चेक कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको सहमत पर क्लिक कर देना, ये डालना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अगले पेज पर जाएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करना, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप 3 से 4 कॉलेजों को सिलेक्ट करेंगे, उनमें से जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या जब भी मेरिट आती है जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आता है वहाँ पर, उसमें ऑफर लेटर को निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, उस ऑफर लेटर को निकलवाने के बाद अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपको वहाँ से मेरिट लेटर निकलवाना है, ऑफर लेटर, उसको उस कॉलेज में जमा करना है जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है, फिर वहाँ पर आगे की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। और जो यहाँ पर फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर वो लगभग 900 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग 1100, 1200, 1300, 1500 और या ये लगभग 1600, 1700 रुपये तक जाती है, जो कि अलग अलग होती है जो प्रैक्टिकल और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर CGS यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जुड़ी हुई ज़्यादा वीडियो पाना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।